माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? फैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बिल्कुल बंद कर देती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई हम तो गर्मी से मर चुके हैं। इस वक्त जो है ना, यहाँ का टेम्परेचर इक्वल टू दिल्ली के टेम्परेचर के है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैन के बिना रह नहीं सकते, लगातार स्वेटिंग हो रही है। पिछले कल संडे था, संडे को हर्षित पिकनिक पर गया था और मैं थी घर पर अकेली। घर पर तो नहीं थी, 11 बजे मैं भी बुटीक चली गई थी और उसके बाद लंच पे आई नहीं, मैं आई सीधा 7:30 बजे और हर्षित पहुँचा 8 बजे। ठीक है, और आज है मंडे, आज ईद की छुट्टी है, ईद उल दुहा करके कुछ है। बाहर का जो मौसम है ना, निकलने लायक नहीं। और आज मेरे जो काम है, ये मैं लेकर आई थी सूट्स जिनको मुझे कट करना था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। खाना बना दिया है, ब्रेकफास्ट कर दिया है, बर्तन ढेर सारे पड़े हैं और कपड़े धो के मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए हैं। अभी सबसे पहले कहाँ गया वो, कहाँ गया चश्मा? बैगन डाल दिया होगा आपको, आपके पास था? मेरे पास तो नहीं था, आपने उठाया था। ये देखो चश्मा टूट गया, गांधी जी का चश्मा टूट चुका है, इसकी एक डंडी निकल गई। तो परसों भी हम लोग गए थे भद्राज के पास, है एक आई हॉस्पिटल, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है और वहाँ के जो स्पेशलिस्ट है ना, आई स्पेशलिस्ट बहुत फेमस है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। तो उस टाइम तो बंद हो चुका था, तो कल पिकनिक में ये ऐसे टूटा फूटा चश्मा लेकर गया था। वैसे तो ग्लू से चिपका दिया था पर फिर भी निकल ही गया था अच्छे से, मतलब ये प्रॉपर वैसे इलाज नहीं है इसका, अच्छे से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी वहाँ जाएंगे, कैमी वगैरह सब भर के लाएंगे, इसमें मेरा हाथ का काम है वो लेकर जाऊंगी जो मैंने कर दिया है। और लंच पे आऊंगी मैं खाना खाने के लिए। लंच में मैंने मिक्स दाल बनाई है और मैंने ना लस्सी बनाई है, मैं आपको दिखाऊं। और लस्सी को देखो मैंने कैसे रखा है यहाँ पे, ये देखो ये जो जग है ना मेरा, ये सीधा नहीं घुस रहा था इसमें क्योंकि इसके लिए स्पेस नहीं था, तो मैंने इसको ऐसा हल्का सा टेढ़ा करके रख दिया क्योंकि इतनी जगह नहीं है। और फ्रिज मेरा खचाखच दूध से, आटे से, चावल, दाल, बहुत कुछ बच जाता है एक दिन के लिए। तो सोचती हूँ कि चलो वेस्ट नहीं करूँगी, रख देती हूँ, एक दो दिन के बाद मैं उसको फेंक देती हूँ या फिर गाय को दे देती हूँ। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। ये देखो बाहर की हालत ऐसी है, नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं आग लगी है, तो धुआं धुआं सा हो गया। ये देखो मैंने कपड़े धो के सूखने के लिए डाल दिया, आज मैंने डोरमेट भी धोए हैं और ये कारपेट तो मैंने 2 दिन से बाहर ही रखा है। यहाँ से ना वहाँ आने की हिम्मत नहीं होती, इतनी तेज़ और कड़क धूप है। ये देखो तो ये कहनी भी ले ली है साथ में। तो गाइज ये देखिए हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल के एकदम पास में ही, वो रहा शिव मंदिर पीछे ब्रिज के पास में, और ये रहा होटल रिवर व्यू जहाँ हम एक बार आए थे लंच करने के लिए। और यहाँ पे आप पार्किंग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट है, वो आगे तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, ये वाली पार्किंग तो है होटल के लिए आई थिंक, ये देखिए जो यहाँ होटल के लिए आते हैं खाना वाना खाने के लिए रुकते हैं जो, और बाकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब पेशेंट हैं जितने भी हैं। देखो यहाँ पे चश्मे वाले अंकल हैं। और परसों जब हम आए थे ना तब यहाँ पे खाली था क्योंकि हॉस्पिटल हो चुका था बंद। और यहाँ से निकलेंगे हम, इस तरह से निकलेंगे हम। ये देखो वो रहा सामने अविनाश आई हॉस्पिटल, और यहाँ लिखा है ओनली होटल पार्किंग, अस्पताल की पार्किंग नीचे है, मतलब गाड़ियाँ नीचे जाती हैं। उस दिन ना जब हम आए थे एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था, और यही वाला गेट हो चुका था बंद। और अब आप देख सकते कितनी चहल पहल है। गाइज मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, देखती हूँ अंदर जाके कितना टाइम लगता है चश्मा बनाने में। और इसको बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल से हर्षित का स्कूल भी है। चलो चलते हैं नीचे। ये देखिए अभी देखिए इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और यहाँ पे नाश्ता, लंच, डिनर व कमरे भी उपलब्ध हैं। अभी तो पूछना पड़ेगा वेयर क्वालिटी मीट्स केयर अविनाश आई केयर हॉस्पिटल, ने की कैंटीन। वेटिंग में बैठे हैं भाई बहुत सारे लोग, ये देखो बाहर बैठे हैं इतने सारे लोग, यहाँ तो भयंकर भीड़ है, भयंकर भीड़। हमारा नंबर नहीं आने वाला आज मुझे लग रहा है। चलो ऑप्टिकल्स में चलते हैं सीधा, आ जाओ आप। गाइज हम आ चुके हैं वापस, ना चश्मा बना और ना ही डॉक्टर को दिखा पाए। कभी कहते हैं कि चश्मा बना दो, कभी कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाने के बाद, फिर डबल डबल खर्चा पड़ रहा था। तो कल की एंट्री कर दी हमने, 12:30 बजे आना पड़ेगा, इसका स्कूल मिस करना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा 12 बजे जल्दी आना पड़ेगा। अब चलते हैं फिलहाल वापस, इतनी भीड़ है ना बाहर से, जैसे ये दिखता है ना खाली खाली सा, ऐसा है नहीं, इतनी भीड़ है ऐसे लग रहा है सब लोगों की आँखें खराब हुई हैं। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, और वो लगी हमारी गाड़ी, पानी वानी भरते हैं और चलते हैं घर।
हालत खराब भाई, हॉस्पिटल में जितनी भीड़ है ना मैं बता नहीं सकती। आई स्पेशलिस्ट हो वहाँ भीड़ है, गायनी वाले हो वहाँ भीड़ है, ऑर्थो वाले हो वहाँ भीड़ है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की आंखें खराब ही हुई पड़ी हैं। और चश्मा मैंने बोला था उनको कि फ्रेम बदलवा देते हैं, फ्रेम ऐसा था नहीं, मतलब ये साइज़ का नहीं था, नया चश्मा बनाने के लिए बोल दिया था। फिर माइंड में रही बात कि आइज़ चेक कराने के बाद ही चश्मा बनाया जाए, क्या पता इसका जो साइज़ है आँखों की जो नंबर वगैरह ना घट बढ़ गया हो, क्योंकि बहुत सालों दो साल से इसकी आई चेक कराई नहीं, बस यही चश्मा घसीट रहे हैं। तो फिलहाल ग्लू से इसको चिपका देते हैं कल तक के लिए, कल फिर आना पड़ेगा। दो दिन तो ये लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि एक दिन में ये काम नहीं हो पाता। एंट्री मैंने करवा दिया, टोकन अब ये देते नहीं है। चलिए क्या ही कर सकते हैं। लेते हैं पानी, और यहाँ पे ना हमेशा पानी भरने के लिए भी भीड़ रहती है आजकल तो स्पेशली। और ये देखो परे बच्चों को भी नहलाते रहते हैं यहाँ पे, ये आदिवासी लोग ना यहाँ पे बच्चों को नहलाते हैं और गंदा करते हैं जगह जगह साबुन के पानी से। वहीं से भर ले लो उसी जगह से। हाँ वो गंदा होगा शायद, नहीं ये साफ होता है। लगे हाथ ये भी काम कर लिया, और मेरी गाड़ी के ऐसे चिथड़े उड़े हुए हैं क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ से देखो ये निकला हुआ है, यहाँ से देखो ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। बेचारी मेरी गाड़ी की हालत ख़राब है, ये डिक्की इसकी घट घट कर रही है। और ये ना यहाँ पे एक दिन खड़ी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी थी, और कोई येल्लो कलर ग्रीन कलर के पेंट वाली गाड़ी थी और उसमें पेंट भी लग गया। हाँ जी हाँ दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ गाड़ी खरीद लेती हूँ, क्या ही करूँ मैं भी। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ बुटीक। मैंने ऐसे गाने लगा रखे हैं ना पहाड़ी सॉन्ग, इसमें चलते ही रहते हैं कोई ना कोई सॉन्ग, पहले फिल्मी फिर डांस वाले फिर ओल्ड सॉन्ग उसके बाद पहाड़ी। तो मैं पहुँच गई हूँ बुटीक में, अब करती हूँ अपना काम, उसके बाद लंच करने जाऊँगी मैं घर। इतनी भयंकर गर्मी है ना मैं बताऊँ आपको, बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी है। लेकिन काम है मेरे पास, मैं ये वाला प्लाजो पैंट कम्प्लीट बनाने के बाद सोच रही हूँ, उसके बाद जाऊंगी मैं घर लंच करने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। आज तो मैं फैब्रिक लेकर जाऊंगी ना हर्षित का चश्मा, वैसे ओवरनाइट चिपकाने के लिए छोड़ दूंगी। कल फिर आई चेकअप करवाने के लिए उसको लेकर जाऊंगी, और छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे कल उसके स्कूल की। अपने आप तो आऊंगी थोड़ी देर के लिए 12 बजे, फिर जाके फिर लंच वंच करके फिर वापस होती, ऐसे मैनेज करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बस बस हो गई दीदी, बहुत है। हाय मोटकू आंटी, अब आंटी बोलता है, पहले तो बेबी मैम बोलता था, अब आंटी होगी मैं। तो गाइस 1:30 बजे का हो रहा है टाइम। अभी तक मेरे पास आई थी संदीपा की सिस्टर यानी उपासना दीदी, और वो लेकर आए थे ढेर सारा सामान, यानी उनके मायके से भेजते रहते हैं आजकल सीजनल फ्रूट्स, लाइक एप्रिकॉट हैं, पलम हैं, और छोटे छोटे से नाशपति होते हैं, बटन नाशपति कुछ नाम उनका अलग है। और लहसुन मेरी सहेली ने सिरमौर वाली लहसुन भेजी है मेरे लिए, ये देखिए इसमें है लहसुन, और उसने सूट भी वहाँ से मेरे पास स्टिच करने के लिए भेजा है। मैंने पिछले 10 सालों से संदीपा के सूट जो है ना खुद से स्टिच किए हैं, उनकी फैमिली के भी बहुत से लोगों के किए, शादी के भी किए वन, तो अभी भी वो वहीं से मेरे लिए सूट भेज दे कि मेरे लिए स्टिच करके आप भेजना। फिलहाल चलती हूँ मैं घर, लंच वंच करते हैं, फिर आऊँगी वापस, फिर अपने काम में लग जाऊँगी। मौसम इतना गर्म, और ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये, हाय हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। कॉल करे जा रहा, हाँ हाँ कैनी लिया गाड़ी के अंदर, कैनी रखी हुई है। तो गाइस थके हार के हम पहुंच चुके हैं, सबसे पहले ओ चावल बनाने हैं मुझे पहले, उसके बाद बनाऊंगी दाल, दाल तो बनी हुई है। देखो ये है सिरमौरी लहसुन, इसकी जो मैं एक कली निकाल के दिखाऊंगी ना, मतलब एक सब्जी में एक ही कली सफिशियंट होती है। ये है सिरमौरी लहसुन, बहुत टेस्टी होती है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता क्या है, इजी शैल इसका निकल जाता है, ये देखो पील ऑफ इजीली हो जाती है, ज़्यादा झंझट नहीं होता, वरना प्याज और लहसुन को छीलते मुझे बड़ा आलस आता है। और यहाँ पर है ये देखो, ये है नाशपति, इतने छोटे छोटे नाशपति आपने कभी देखे हैं, इनको बटन नाशपति बोलते हैं ऐसा मैंने सुना है। और ये देखो ये है पियर, और ये है पलम, ये सब मेरे बेटे के पेट में जाने वाला है। और ये है जी खुमानी, अभी मेरे पास ये थैला, जो पहले वाला थैला दिखाऊं आपको वो भी मेरे पास अभी है। और ये देखो ये बनाई थी जी मैंने लस्सी, भर के जग मैंने लस्सी बना रखा है, और ये पहले वाला थैला है उस दिन जब मैं गई थी, इसमें भी सेम मटेरियल, अब यही खत्म नहीं हुआ तब तक मेरे पास दूसरा आ गया। तो अब
खा पी लेते हैं, लस्सी को बाहर निकाल दे, इसको फ्रिज अंदर रख दे किचन में, फ्रिज में जगह वैसे ही नहीं। तो गाइस हम आ चुके हैं बुटीक के अंदर, अब करते हैं फिर से अपना काम। ऐसी गहरी नींद आ गई थी ना मुझे थोड़ी देर के लिए, मजा ही आ गया था। जब तक मैं वापस आई तो मैंने क्या देखा कि जो मैंने लड़ियाँ लगाई थी ना जब मैंने दुकान की ओपनिंग करी थी, वो एक लड़ी इसमें से निकल चुकी है। तो इसको लेके जाना है मुझे घर, क्योंकि एक थोड़ी सी गंदी भी हो गई है। इसको मैं घर लेके जाऊंगी जब मैं शाम को जाऊंगी। फिलहाल इसको यहाँ रख देते हैं और अपना काम चालू करते हैं। भयंकर नींद आ गई थी मुझे, अगर अर्शद ने जगाया नहीं होता ना मैं तो मस्त सो रही होती। तो गई 7 बज चुके हैं और हर्षित भी गया था अपने कराटे क्लास। ये रहा मेरा बेटा, मत खींच इसको। और ये लेकर आया है चाउमीन, बहुत गर्म है अभी। तो अब हमारा फाइनली निकलना है घर, हमें टाइम हो चुका है हमारे जाने का। थकान हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी थकान नहीं हुई जितनी हर रोज़ होती है, क्योंकि आज जब मैं लंच पे गई थी थोड़ी देर किया था मैंने रेस्ट। नाच 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 ना चश्मे के बिना कितना अजीब सा लगता है। बोलो यहाँ पे डाल दिया जी मैंने आज का स्टॉक जो कट करना है मुझे। हाथ का काम मैंने यही रखा है, मैं कल ही करूँगी ये। फिलहाल मैंने ये सारा जो मेरा काम है ना आज का, एक ये शर्ट रहेगी बस, इसका ना नीचे का छोटा है, ये लाइक पल्ला होता ना जो बैक साइड वाला, फ्रंट दोनों छोटे हैं, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए मैंने इसमें इस तरह की पट्टी लगा दी है और इस तरह से फोल्ड करें। कुछ लेस वेस लगा के इसको करेंगे सही। हम ये एक आंटी ने दिया था सूट मुझे स्टिच करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ और करेंगे रेस्ट। कल फिर से वही मेरा हैक्टिक वाला शेड्यूल, पहले जाएंगे हम, पहले मैं इधर आऊँगी बुटीक के लिए, थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी, फिर जाऊँगी मैं स्कूल। हाँ, और स्कूल से थोड़ा सा जल्दी निकल के फिर जाना पड़ेगा मुझे आइस के लिए हर्षित के। और ये वाला सूट देना था मुझे, दिन में आ गए थे वो लेने के लिए। ये वाला सूट मैंने कम्प्लीट रेडी किया, ये प्लाजो आज ये मैंने बना के रख दिया है, अब जब आएंगे तो मैं दे दूँगी जो रेडी किए हुए सूट हैं। फिलहाल मेरे पास यही है, बाकी मैंने सारी जितनी भी थी ना डिलीवरी जो देनी थी सब दे दी हैं। और ये खूबसूरत सा सूट मैंने डिस्प्ले किया है, और ये बहुत ही प्यारी सी कॉटन की कुर्ती डिस्प्ले की है। बाकी तो जो भी मैं डिस्प्ले कर देती हूँ लगभग मेरा निकलता जाता है। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको